नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स हेल्दी और फिट होंगे और आपके बर्ड्स आपके पास अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको हमारे बजीज पैरट्स के बच्चे दिखाने वाला हूं, जो कि बेहतरीन कलर में निकले हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। वैसे काफ़ी सारे बच्चों को मैंने अलग कर दिया है। फर्स्ट क्लच बेहतरीन निकल कर आया है। लगभग अभी 110-120 के आसपास बच्चे जो है वो निकल कर मटकियों से बाहर आ गए हैं और उनको मैंने अलग भी कर दिया है। उन सभी में से दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ बेहतरीन कलर के निकल कर आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो जोड़े लगे हुए हैं वो भी बेहतरीन कलर के, बेहतरीन मार्किंग के जोड़े लगे हुए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा था कि बच्चे जो आएंगे वो भी बेहतरीन लाजवाब कलर के निकल के आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। वैसे दूसरे जितने भी बच्चे आए हैं वो भी बेहतरीन कलर के हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा हटकर है, क्योंकि सारे ही लगभग ज़्यादातर ऑफलाइन है, क्लियर विंग है, और सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है, जो मुझे पसंद है, वो है येलो हेड। येलो हेड मुझे बहुत पसंद है, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। येलो शेड देख सकते हैं आप, येलो हेड ऑफ लाइन की क्वालिटी देखें, पूरे फेदर पे, चेस्ट पर आपको येलोनेस नज़र आएगी, जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। बजीस दोस्तों, नॉर्मल बजीस में इतने सारे कलर आप देख सकते हैं। कुछ बजीस के बच्चे आपको मैं पकड़ के भी दिखा देता हूँ, सारे तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये पहला बच्चा देखें, ये ग्रे ब्लैक। दोस्तों ग्रे में लाइट होता है, लेकिन मेरे पास जो ग्रे बच्चे निकल रहे हैं ना, इतने ब्लैक हैं, डार्क ब्लैक। ये देख सकते हैं आप, इनको लाइव देखेंगे ना तो बेहतरीन लगता है। पता नहीं आपको वीडियो में क्वालिटी सही से दिखाई दे पा रही होगी या नहीं, लेकिन लाइव जब देखेंगे ना तो इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन लगती है। ये एक बच्चा ये देखें, और ये रिसेसिव पाइड की क्वालिटी देखें, इसके फेदर पे ब्लैक डॉट के साथ ब्लूनेस भी आपको साफ नज़र आ रही होगी, बेहतरीन क्वालिटी का है। येलोनेस भी है इसके ऊपर, ब्लू भी है। देखिए पाइड में जो ब्लैक मार्किंग होती है रिसेसिव में, उसके ऊपर ब्लू शेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके फेदर पर देखें, ये देखें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और ये देखें क्वालिटी देखें इसमें रिसेसिव पाइड की भी। ये एक और ब्लैक ग्रे बच्चा देखें। दोस्तों आगे चलकर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इनसे ब्लैक बजरी जो होता है, जो प्योर ब्लैक बजरी, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो कलर वर्किंग पर मेरा पूरा फोकस रहेगा आगे चलकर, क्योंकि इस बार जो जोड़े मैंने लगाए थे तो काफ़ी अच्छे कलर बने हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सेपरेट जब जोड़े लगाऊंगा कलर वर्किंग के लिए, तो उसमें और बेहतरीन कुछ अलग निकल कर आएगा, जो कि आप सभी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप भी उस पर काम कर सकते हैं, और नॉर्मल बजरी तोतों में अलग अलग कलर जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत इस पर वर्किंग की है, शुरू से मेरे पास जो ब्रीडिंग चलती आ रही थी उन्हीं को मैंने रोकते हुए रखा और ये कलर बनते हुए गए हैं। ये कलर मेरे पास कैसे बने हैं इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, तो आप वो वीडियो देखिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि अब जाकर मेरे पास ये कलर ऑफलाइन बजीज, क्लियर विंग बजीज, वो भी येलो हेड में क्यों निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं। तो ये देखें, सारों की क्वालिटी देख सकते हैं आप, बेहतरीन है। ये एक और रिसेसिव पाइड की क्वालिटी देखें आप, हेड देखें, हेड येलो है और फेदर पर जो स्पॉट हैं ब्लैक काफ़ी गहरे हैं, डार्क हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसके फेदर की जो मार्किंग देखें, धारियाँ
बिल्कुल डार्क है, ये लो लाइव देखेंगे तो और ही बेहतरीन लगता है। तो ये सारे बच्चे मैंने अलग किए हैं, ये देखें, और दो पिंजरे और भर चुके हैं। तो दुआ कीजिएगा कि ऐसे ही हमारे पास पिंजरे भरते रहे, और मैं भी दुआ करता हूँ कि आप सभी के पास भर भर के पिंजरे जो हैं पड़े रहे, बच्चे आएँ और जल्दी से आप उन्हें सेल भी कर दें। ये देखें क्वालिटी देखें आप, दिल खुश हो गया है मेरा भी। और दोस्तों काफ़ी क्वालिटी इस बार जो है वो स्पेंगल की भी हमारे पास निकलने वाली है, सेपरेट जोड़े लगा रखे हैं तो स्पेंगल बच्चे भी निकल रहे हैं। तो आगे चलकर स्पेंगल रेनबो रेनबो की वर्किंग भी करने वाला हूं। हालांकि रेनबो की एक फ़ीमेल ही मेरे पास है लेकिन उससे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, रेनबो बजिस में नहीं निकल पाया है उनसे। तो आगे चलकर जो है वो पेयरिंग ऐसी करेंगे कि रेनबो भी हम हमारे ही बर्ड से निकलवा सकें, कोशिश पूरी करेंगे, आगे देखना है क्या होता है। क्योंकि रेनबो की वर्किंग के लिए जो भी बर्ड्स चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आगे जब इनकी सेपरेट ब्रीडिंग लगाएंगे या इनकी पेयरिंग कर कॉलोनी में छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में ये काम कर सकते हैं। मैं जैसे भी जोड़े लगाऊंगा तो आप भी मेरे साथ उसी तरीके से अपने पास जोड़े लगाएं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, तो इस बार तो इनकी ब्रीडिंग नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो बच्चे हमें रोकने हैं वो हम रोकेंगे, बाकी हमारे भाइयों के पास जाएंगे, क्योंकि इतने सारे एक साथ तो रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लगभग 100-150 बच्चे हर क्लच में हमारे पास निकलेंगे, ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि ब्रीडिंग जो है वो आगे पीछे कहीं ना कहीं हो गई है। तो जितने जोड़े हमारे पास हैं वो एक साथ ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, एक साथ उनके बच्चे बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों को देखें यहाँ पर भी मैंने अलग करके रखा है, इसमें भी बेहतरीन क्वालिटी है, वाइट वाइट है, पाइड है, क्रीम कलर के हैं। नॉर्मल जो येलो हेड है, ब्लू, वॉयलेट, ब्लैक, ये सारे पहले ही मैंने अलग करके रख दिए थे। ये देखें इसमें ऑफलाइन भी है, वो देखें पीछे ब्लैक में येलो हेड आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो कुछ बच्चे मैंने ऑलरेडी इस केज में रखे हुए हैं और कुछ बच्चे अभी भी कॉलोनी में ही हैं जो कि सेल्फ नहीं हुए हैं, कुछ मटकियों में हैं जो कि बाहर आने वाले हैं। तो अब ये सिलसिला जो है बच्चे बाहर आने का ये कंटिन्यू लगा रहेगा जब तक सीज़न ऑफ नहीं होता, मार्च अप्रैल तक यही सिलसिला रहेगा, बच्चों की भीड़ आपको नज़र आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे बजी तोतों के बच्चों के कलर आपको पसंद आए होंगे। कलर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस